आज है मेरे पास ओप्पो F21 Pro, इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, डिटेल रिव्यू भी करना है इस वीडियो में। ओप्पो F21 Pro अगर आपको याद होगा तो 4G भी इन्होंने लॉन्च किया था इसमें, लेकिन ये 5G वेरिएंट है मेरे पास। प्राइस इसकी मुझे कंफर्म नहीं है, प्राइस होगी कंफर्म तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपसे शेयर करूंगी, लेकिन गेस करें कि इसकी प्राइस क्या होने वाली है। इसकी तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, काफ़ी सारी बातें हैं जो इसके बारे में करनी है। तो इस बॉक्स के अंदर क्या है पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं मज़ीद डिवाइस के बारे में। ओके जनाब, तो ये हो गया ओपन। यहाँ पर सबसे टॉप एक और बॉक्स है, तो यहाँ पर हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं और इसका ये बैक केस मिलता है। इसको बाहर निकालते हैं, इसको लगा के देखेंगे कि डिवाइस किस तरह लगती है। और ये है फ़ोन, इसको बाद में देखते हैं। हमारे पास है चार्जर, और ये जो चार्जर है ये है 33 वॉट का फास्ट चार्जर, रियली। और है चार्जिंग केबल। तो अब हम डिवाइस को देखते हैं कि डिवाइस की लुक्स कैसी हैं। ये है इसकी कुछ लुक्स, और यहाँ पर जो चीज़ मैंने नोट की सबसे पहले, कैमरा बम्प नहीं है। एक डिफरेंट, एक यूनिक स्टाइल मुझे लगा, क्योंकि कैमरा बम्प उमूमन होते हैं, जो लेंस है ये अलग से बाहर हैं। तो यहाँ पर पैनल पे लेंस को लगा दिया गया है, कैमरा बम्प नहीं दिया गया। और यहाँ पर ट्रिपल कैमरा सेटअप है, दो लेंस बड़े से हैं, एक छोटा है। आपको फ्लैश लाइट भी मिलती है, AI पोर्ट्रेट कैमरा की ब्रांडिंग भी हुई हुई है, और ओप्पो की ब्रांडिंग है। तो अगर मैं इसके डिज़ाइन के ऊपर बात करूँ, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर रेनबो शेड्स हमें मिल रहे हैं, क्योंकि ये जो कलर है मेरे पास ये है रेनबो स्पेक्ट्रम कलर। इसमें एक और कलर भी आता है ब्लैक, ऑफ कोर्स यहाँ पर ज़्यादा हमें ये रेनबो शेड्स देखने को मिल रहे हैं। कूल लग रहा है, ग्लिटरी सा, ग्लोइंग सा डिज़ाइन है जो कि खूबसूरत लग रहा है। तो ये जो लेंसेज दिए गए हैं ये सिर्फ कैमरा के लिए नहीं, बल्कि यहाँ पर आपको ब्रीथिंग लाइट भी दी गई है। जब कोई कॉल आपको आ रही है, इनकमिंग कॉल, या आपको कोई नोटिफिकेशन आ रहा है, इवन जब चार्जिंग पे भी लगा है तो ये ब्लिंक करेगी ये लाइट, और इसमें लाइट जलेगी, आपको पता चलेगा कॉल आ रही है या नोटिफिकेशन आया है, मैसेज नोटिफिकेशन, इवन अगर आपकी डिवाइस चार्ज पे हो रही है। तो यहाँ पर हमें ड्यूल ऑर्बिट लाइट दी गई है, लाइक जैसे कि मैंने आपको बताया कि लाइट रिस्पॉन्ड करती है इफ़ अगर आपको कोई कॉल वगैरह आ रही है। तो यहाँ पर 3-layer टेक्सचर दिया गया है एंड 2-layer कोटिंग प्रोसेस दिया गया है। और एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि ये डिवाइस काफ़ी स्लिम है, अल्ट्रा स्लिम मैं कहना चाहूँगी इसको, क्योंकि यहाँ पर ये जो इसकी फ्रेम है तो ये भी फ्लैट है, तो यहाँ पर काफ़ी स्लिम डिवाइस है, एक लाइट वेट डिवाइस बनाई गई है। वैसे ओप्पो की जितनी भी डिवाइसेज आती हैं एफ सीरीज़ में, उनका जो वज़न होता है वो काफ़ी हल्का सा होता है, यानी कि इतनी ज़्यादा हैवी नहीं होती। तो इसको कवर लगा के देखते हैं कि कवर में कैसा लगता है ये फ़ोन। ये इसको मैंने कवर लगा दिया, तो यहाँ पर ये जो रेनबो है ये फिर भी कवर नहीं हो रहा, यानी कि छुप नहीं रहा, इजीली आप देख सकते हैं। और इसका फ़ायदा ये भी है इस कवर का कि क्योंकि यहाँ पर कैमरा बम्प नहीं दिया गया, सिर्फ लेंस दिए गए हैं, तो आपका जो लेंस है ये सेफ़ रहेंगे, तो कवर लगाएं तो ज़्यादा बेटर है। मज़ीद बात करते हैं, राइट साइड पर आपको मिलता है पावर बटन, और आपको बटन भी मिलते हैं सिंगल स्पीकर, टाइप सी पोर्ट, ऑडियो जैक। इसके साथ लेफ्ट साइड पर आपको वॉल्यूम रॉकर्स मिलते हैं, एंड इसके अलावा आपको मिलता है यहाँ पर सिम ट्रे। डिवाइस को मैंने कर लिया है सेटअप, फिंगरप्रिंट सेंसर भी मैंने इसमें सेट कर लिया है। एक चीज़ मैंने नोट की कि अगर आप दोनों हाथ से इसको ओपन करेंगे तो ये ज़्यादा जल्दी हो सकेगा अनलॉक, क्योंकि फिंगरप्रिंट जो सेंसर है वो थोड़ा नीचे की साइड मुझे लग रहा है, उमूमन थोड़ा सा ऊपर होता है, तो अगर आप एक हाथ से भी इसको ओपन करते हैं तो जल्दी ओपन हो जाती है, लेकिन अगर आप इसको दो हाथों से करेंगे तो ज़्यादा आप कंफर्टेबल होंगे। और फेस अनलॉक तो मैं यूज़ नहीं करती, इसलिए वो मैं कभी सेट भी नहीं करती। ओके, बेजल्स जो हैं वो टॉप पे और साइड्स पे ठीक स्लिम दिए गए हैं, लेकिन चिन पे थोड़े से ज़्यादा दे दिए गए हैं। और आपको लेफ़्ट कॉर्नर में यहाँ पर मिलता है पंच होल कैमरा 16 मेगापिक्सल का। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक एमोलेड स्क्रीन दी गई है, फुल HD+ की रेजोल्यूशन दी गई है, लेकिन यहाँ पर आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है और 600 nits की पीक ब्राइटनेस में दी गई है। तो यहाँ पर 60Hz के रिफ्रेश रेट को थोड़ा सा मैं सोच रही थी कि ज़्यादा होना चाहिए था, 90Hz एटलीस्ट होता तो बहुत अच्छा हो जाता। लेकिन एमोलेड स्क्रीन में जो मैंने थोड़ी बहुत वीडियोस इसमें देखी हैं और आपको एक अच्छी रेजोल्यूशन दी गई है, तो यहाँ पर वीडियो तो ओके है इसकी, लेकिन जिस चीज़ की आपको कमी फील होगी वो इसका रिफ्रेश रेट है, क्योंकि वहाँ पर परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाती है, आपको पता ही है। तो यहाँ पर कलर्स तो आपको अच्छे मिलेंगे, कंट्रास्ट आपको अच्छे मिलेगा, वीडियोज़ आप देखेंगे, लेकिन यहाँ पर जो टच रिस्पॉन्स है
उसमें आपको थोड़ा सा स्लो मिलेगा। तो परफॉर्मेंस की बात करते हैं, इसमें आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 695 जो कि एक 5G चिपसेट है, 6 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी बेस्ड है। तो यहाँ पर ये जो चिपसेट है इसमें अगर आप गेमिंग की बात करते हैं, ओवरऑल परफॉर्मेंस को भी मैं डिस्कस करूंगी, लेकिन गेमिंग अगर आप इसमें करते हैं तो आप हाई गेमिंग तो नहीं कर सकते, एटलीस्ट हाई सेटिंग्स पे आपको मीडियम सेटिंग्स करनी पड़ेंगी, तो अगर आप खेलना चाहते हैं तो वो खेल सकते हैं। तो यहाँ पर 5G चिपसेट आपको दी गई है। अगर मैं ऑन टू बेंचमार्क टेस्ट की बात करूँ तो यहाँ पर 6 नैनोमीटर 5G चिपसेट के साथ साथ आपको फास्ट हाई स्पीड कनेक्टिविटी दी गई है, रिलायबल और एफिशिएंट डिवाइस है ये अगर आप परफॉर्मेंस की बात करते हैं। और ओवरऑल परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको मिलता है कलर ओएस 12 लेकिन बेस्ड एंड्रॉइड 11 पे। तो यहाँ पर अगर आप मल्टीटास्किंग बहुत करते हैं, अगर आप एप लोड टाइम की बात करते हैं तो वो बस ठीक है इसकी परफॉर्मेंस। इसमें 8GB रैम दिया गया है, 128GB इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। ऑल्दो इसमें रैम ज़्यादा दिया गया है लेकिन यहाँ पर आपको एक्सपेंशन का ऑप्शन भी दिया गया है, 5GB मजीद आप अपनी रैम को एक्सपेंड कर सकते हैं। अक्सर लोग जो हैं वो यूज़ भी करते हैं और आजकल आप देख रहे हैं कि डिवाइसेस में रैम एक्सपेंशन मिल रही है हमें, तो यहाँ पर भी वो मौजूद है। बैटरी इसमें मिलती है 4500mAh और 33W का फास्ट चार्ज दिया गया है। तो बैटरी ठीक है क्योंकि ये बैटरी मेरे हिसाब से तो चल जाती है डेढ़ दिन आराम से, अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी यूज़र नहीं हैं। 33W फास्ट चार्ज के साथ डिवाइस आपकी क्विकली चार्ज भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो इसके हाईलाइट पॉइंट्स हैं, एक तो इसका डिज़ाइन हो गया, इसके अलावा इसकी स्क्रीन आपको मिलती है AMOLED, इसके अलावा आपको 5GB रैम एक्सपेंशन मिलती है, कलर ओएस 12 मिलता है। तो यहाँ पर कुछ एयर जेस्चर्स भी आपको दिए गए हैं और ये जो ब्रीदिंग लाइट दी गई है ये एक मुझे अच्छी खूबसूरत यूनिक चीज़ लगी, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो ये था ओप्पो F21 Pro 5G का रिव्यू भी और अनबॉक्सिंग भी। आपके माइंड में क्या है, इसकी प्राइस क्या होने वाली है, स्टार्ट में मैंने पूछा था, तो आप लोग भी शेयर कीजिएगा। और जाने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इंस्टा और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं आप। इसी तरह अप्रिशिएट कीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।